लॉगिन के फॉर्म में हम क्या करेंगे भाई, लॉगिन के फॉर्म के अंदर डिजाइन तो तकरीबन वही है जो पहली क्लास में शायद हमने कर लिया था। यानी कि एक बटन है हमारे पास, दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और दो लेबल हैं। ये जो पहला लेबल है इसके अंदर प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ यूजर नेम, और लेवल टू में लिखा हुआ जाना पासवर्ड। बटन के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है जनाब लॉगिन। अब इसको आप सबको सेलेक्ट करें, फॉन्ट साइज जाकर जरा चेंज कर दें इनका। ये आ गया आपका लॉगिन का फॉर्म। यहाँ पर एक लेबल और अच्छा सा ऊपर ले लें, इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर आप यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लें। ठीक है भाई, अब लॉगिन के क्लिक के ऊपर हम करेंगे ये कि डेटाबेस में जाके चेक करेंगे कि वो जो यूजर ने रजिस्टर के ऊपर लिखे हैं उनमें से कोई है तो लॉगिन करना वरना नहीं करना। समझ आ रही बात? ठीक है, यानी आप पहले तो हमने वो हार्ड कोडेड लिख दिया था ना, अब हम डेटाबेस से डेटा मंगवा के चेक करेंगे। तो ये हमारा THT यूजर नेम है, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, और ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ये हमारा TXT पासवर्ड है। और इसके अंदर हम पासवर्ड कैरेक्टर प्रॉपर्टी जो है वो रख देंगे स्टैटिक। सही है, अब हमने लॉगिन पे क्लिक कर दिया, ये हमारे सामने आ गया बटन वन अंडर स्कोर क्लिक। दो नेम स्पेस आपको चाहिए, एक तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है सिस्टम डॉट डेटा, और दूसरा हमें चाहिए कौन सा, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, तो अब बटन क्लिक पे हमें डेटाबेस से डेटा मंगवाना है। पहले क्या किया था हमने, इंसर्ट किया था, अब हम मंगवाएंगे, लेकिन उसके लिए काम वही करना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करते हुए एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और आपकी आसानी के लिए और कंपनी की मशहूरी के लिए मैं यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग दोबारा से लिख रहा हूँ। डेटा सोर्स इक्वल्स टू, ये मैंने यहाँ पे लिखा जनाब सर्वर नेम, फिर उसके बाद इनिशियल कैटलॉग, इसमें आ जाएगा आपका डेटाबेस का नाम, ये आ गया डेटाबेस का नाम। और फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू ट्रू। सही है, कनेक्शन बन गया। फिर हम बनाएंगे कमांड का ऑब्जेक्ट, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वेरिएबल कमांड इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। जिस तरह आप इसके कनेक्शन स्ट्रिंग में कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हैं ना, यहां पे भी कर सकते हैं। मैं यहां पे देखिए क्यूरी लिख रहा हूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, और कॉमा करके यहां पे पास कर दिया मैंने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। तो ये क्यूरी करेगी कि यूजर्स के टेबल से तमाम यूजर उठा के ले आएगी। सही है, फिर अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहां पर जो है ना वो कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अब हमारी जो कमांड एग्जीक्यूट होगी वो करेगी ये, देखें इसमें डिफरेंस है। इंसर्ट अपडेट और डिलीट जो है ना वो डेटा बेस में जाके चेंजेस करते हैं और वापस आके बताते हैं कि वो चेंजेस हुए या नहीं हुए। सिलेक्ट की क्यूरी जो है वो डेटाबेस में चेंज नहीं करती, बल्कि डेटाबेस से डेटा लेकर आ जाती है बस। तो उसके लिए हमें एक और क्लास यूज करनी पड़ती है। तो पहले तो मुझे कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा,
और कनेक्शन ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा SQL डेटा रीडर और उसका बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट और फिर लिखूंगा जनाब कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर। देखिए यहां पे क्या लिखा था मैंने, यहां पे मैंने लिखा था कमांड डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी। ये मैंने इसलिए यूज किया था क्योंकि यहाँ क्यूरी कौन सी थी, इंसर्ट की थी। यहां पर मैं लिख रहा हूं एग्जीक्यूट रीडर, ये भी कमांड की क्लास का ही ऑब्जेक्ट है क्योंकि क्यूरी जो है वो सिलेक्ट की है। अब हम डेटा राइट नहीं कर रहे बल्कि रीड कर रहे हैं। अब जब डेटा रीड हो गया ना, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं, देखिए मैं लिख रहा हूं व्हाइल रीडर डॉट रीड, जब तक के रीडर में से एक एक रॉ को रीड करो और चेक करो कि ये जो हमारा रीडर का ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम वाली फील्ड है, अब इसमें डेटाबेस में कौन कौन सी फील्ड है, भाई नेम की फील्ड है, तो नेम की फील्ड अगर बराबर है किसके, txt यूजर नेम डॉट टेक्स्ट के, तो क्या करो, अगर यूजर नेम डॉट टेक्स्ट के बराबर है तो जनाब फिर मजीद चेक करो कि जो रीडर है इसके अंदर जो पासवर्ड है वो txt पासवर्ड के बराबर है तो फिर आप करेंगे ये कि मेन फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको शो करवाएंगे। frm डॉट शो और जाहिर है फिर इसको हाइड करवा देंगे। इसका मतलब है कि यूजर नेम पासवर्ड सही है। अच्छा अगर ऐसा नहीं है तो आप सिंपली यहां पर आके जो है वो लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो यूजर नेम और पासवर्ड इज नॉट वैलिड। देखिए अगर यूजर नेम पासवर्ड दोनों वैलिड हो गए तो ये फॉर्म खुद ही छुप जाएगा और ये वाला फॉर्म शो हो जाएगा। और अगर आप इस लाइन पे आ गए तो इसका मतलब तमाम रॉज में से किसी रॉ के अंदर, देखिए ये जो लूप है ना ये बार बार चलेगा हर रॉ के लिए। इसको अभी मैं डिबग करके दिखाऊंगा तो मजीद आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर फिर आप जो है वो कनेक्शन को क्लोज कर दें ताकि डेटाबेस फॉर अदर यूजर्स जो है वो अवेलेबल हो जाए और मैसेज बुक दिखा दें मैं यूजर नेम पासवर्ड वैलिड नहीं है। ठीक है इसको जरा चेक करते हैं और यहाँ पर हम जो है वो लॉगिन फॉर्म को रन कर देते हैं। तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म रन होगा लेकिन उस केस में होगा जब हम फर्स्ट ऐप जो मेन के अंदर जाकर यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन, तो आप लॉगिन फॉर्म रन होगा तो भाई ये आपका लॉगिन फॉर्म रन हुआ। आप जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया और लॉगिन पर क्लिक कर दिया तो हम इधर आ गए। अब देखिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होगी, ये तमाम यूजर्स लेकर आ गया। अब ये बारी बारी एक एक रॉ चेक करेगा तो रीडर नेम डॉट टू स्ट्रिंग में अगर आप देखें तो इस वक्त इसमें देखें इसमें इसरार आ रहा है और txt यूजर नेम डॉट टेक्स्ट को अगर आप चेक करें तो उसमें asdf है तो जाहिर है ये इक्वल नहीं है तो ये यहां से निकल जाएगा और अगली रॉ चेक करेगा। फिर अगली रॉ के अंदर अगर आप देखें तो उसमें सलीम है
और यहाँ ASDF है, लिहाजा ये यहाँ से भी निकल जाएगा। फिर दो रॉ थी, तीसरी रॉ को है नहीं, कनेक्शन क्लोज हो जाएगा और ये कहेगा यूजर नेम पासवर्ड इज नॉट वैलिड, यूजर नेम और पासवर्ड इज नॉट वैलिड। अब सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनाब इसरार और पासवर्ड लिख देता हूँ ABCD और लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब TXT यूजर नेम में इसरार लिखा हुआ है, तो अब हम यहाँ से चलेंगे, ये सारे यूजर ले आएगा, पहली रॉ को चेक करेगा। तो पहली रॉ के अंदर भी इसरार है यूज नेम में और TXT यूजर नेम में भी इसरार है, तो ये नीचे वाली रॉ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर चेक करें पासवर्ड में क्या है, पासवर्ड में ABCD है और यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है, यूजर ने भी ABCD लिखा हुआ है, तो नतीजे में ये भी वैलिड हो जाएगा। यहाँ से मेन फॉर्म शो हो जाएगा और करंट फॉर्म हाइड हो जाएगा और जब हम यहाँ से निकलेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको आप एक यहाँ पे वेरिएबल बना लें, बूलियन इज यूजर फाउंड, इनिशियली इसमें फॉल्स है, यहाँ पर आप लिखते हैं इज यूजर फाउंड इक्वल्स टू ट्रू और इधर एक चेक लगा दें कि इफ इज यूजर फाउंड, अगर यूजर नेम फाउंड ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये लाइन नहीं चलेगी, और अगर यूजर नेम फाउंड जो है वो फॉल्स है यानी ये लाइन नहीं चली, तो ये इसको ट्रू कर देगा और ये मैसेज आ जाएगा। सही है? तो यकीनन कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, आज तक हमें वैसे ही कौन सा कुछ समझ में आया। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, ये लिखा, लॉगिन पे क्लिक किया, ये कह रहा है यूजर नेम पासवर्ड इज नॉट वैलिड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख दिया इसरार और यहाँ पे जाके लिख दिया ABCD, तो हमारे सामने मेन फॉर्म खुल गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर हम ये करते हैं कि ये जो लॉगिन फॉर्म है इसके ऊपर मैं देखें यहाँ पर आप जो है वो ये जो बटन है इसके नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है लिंक लेबल, ये लिंक लेबल मैंने ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर आप इसको टेक्स्ट में लिखते हैं साइन अप, ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दें। ये जो साइन अप है इसके क्लिक के ऊपर क्या करेंगे, हम यहां पर ओपन करवा देंगे जनाब जो हमारा फॉर्म वन है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर हम कह देंगे FRM.show और this.hide। नतीजा ये होगा कि जब एप्लीकेशन रन होगी तो नजर तो आपको लॉगिन ही आएगा, लेकिन अगर आपने साइन अप पे क्लिक कर दिया तो ये खुल गया साइन अप का पेज। अच्छा, अब साइन अप जब आप करवा रहे हैं यानी फॉर्म वन पे, तो अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद दो चांसेस हैं। एक तो ये कि आप रजिस्ट्रेशन के फौरन बाद ही आप मेन फॉर्म खोल दें या लॉगिन फॉर्म खोल दें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम ये कर रहे हैं कि जनाब जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाती है तो इसको हाइड करवा दें रजिस्टर फॉर्म को और लॉगिन का शो करवा दें। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, लॉगिन का कैसे शो करवाएंगे, लॉगिन का नया ऑब्जेक्ट बना दें और वो कौन सा ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, लॉगिन, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, चले भाई इतराज हो रहा है किसको, कुछ भी रखते हैं इसको। तो भाई अब होगा ये कि आप यहां से जब साइन अप पे क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो वो मैसेज देगा पहले कि भाई यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली और आपको लॉगिन फॉर्म दिखा देगा।
वहां से आप लॉगिन करेंगे तो आप चले जाएंगे कहां पर, मेन। समझ में आ गई। वहां पे जाके फिर आप ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, और जो हमने सारी चीजें देखी थी रिलेटेड टू ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की, वो वहां पर आप परफॉर्म करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब लॉगिन सिर्फ वही कर सकता है जो साइन अप हुआ है डेटाबेस से। अब यूजर की इंफॉर्मेशन उठ के आ रही है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखें साइन अप में मजीद चीजें ऐड हो सकती हैं, वो आप फिर कैसे करेंगे? डेटाबेस में फील्ड भी बढ़ाएंगे। अब जैसे यहाँ जेंडर सिलेक्ट करवा लें, आप दो रेडियो बटन ले लें, जेंडर सिलेक्ट करवा लें, डेटाबेस में जेंडर भी स्टोर कर लें, ठीक है? फिर यहाँ पर आप चाहें तो प्रोफाइल पिक्चर ले सकते हैं यूजर की, ठीक है? इसी तरीके से जो प्रोफाइल वाली चीजें होती हैं, वो आप यूजर से इनपुट लेके डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, सही है? और फिर चाहें तो वहाँ एक फॉर्म बना दें जिसमें यही सारी चीजें आप यूजर को बोलेंगे, वो चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। पासवर्ड वगैरह चेंज करना हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी हो, फोन नंबर चेंज करना हो, तो वो लॉगिन होने के बाद कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए ये अभी हमने जो अप्रोच देखी है ना, ये कहलाती है कनेक्टेड अप्रोच। और इसमें हम डेटाबेस के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो उसके लिए हमें तीन क्लासेस नजर आई। एक हमने क्लास यूज करी SQL कनेक्शन, एक हमने क्लास यूज करी जिसका नाम था SQL कमांड। अगर हम इंसर्ट अपडेट या डिलीट का काम कर रहे हैं तो उसके लिए तो यही दोनों क्लासेस काफी हैं। लेकिन हमने एक तीसरी क्लास यूज करी SQL डेटा रीडर। ये क्लास जो है वो यूज करनी पड़ती है जब आप डेटा रीड कर रहे होते हैं, यानी कि सिलेक्ट का काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये तीन क्लासेस हमने देखी, बनी बनाई क्लासेस हैं, इनके अंदर मेथड्स हैं, उनको हम कॉल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, सही है? आप ये भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा आसान तरीका बताया था, आप ये भी कर सकते हैं कि लॉगिन के ऊपर यहाँ पर बजाय इसके के लूप से अगर बचना चाह रहे हैं तो यहाँ वेयर का क्लॉज लगा दें, वेयर नेम इक्वल्स टू txt यूजर नाउन डॉट टेक्स्ट और पासवर्ड इक्वल्स टू txt यूजर पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। उसमें आप सिर्फ यहाँ पे चेक करें कि कुछ डेटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अगर एक रॉ भी आ रही है तो इसका मतलब है कि भाई कुछ मौजूद है, नहीं है तो आप वो भी तरीका यूज कर सकते हैं। मैंने असल में यहाँ ये भी समझाना था ना, रीडर का ऑब्जेक्ट समझाना था, तो इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है? और भी तरीके हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे इससे बेहतर तरीके हैं वो देख लेंगे, सही है? समझ में आ रही बात? यहाँ पर मैंने ट्राई कैच नहीं लगाया, कहाँ पर नहीं लगाया, जब हम लॉग इन करवा रहे हैं तो आप ट्राई कैच यहाँ पर लगा दें, कोई एरर आ रहा है तो बकायदा मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवा दो। तो भाई ये इस वीक आपने लाजमी ये काम करना है, कौन सा काम करना है?